नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिनांक 23/2023 को प्रेसिडेंसी कॉलेज में क्षेत्रीय विधायक महोदय साची रायसेन को समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश शाखा रायसेन की ओर से 13 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शाखा रायसेन समस्त अध्यक्ष सहित सभी सदस्य शामिल हुए। अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश बैरिया, उपाध्यक्ष गोरेलाल यादव एवं समस्त सदस्य उपस्थित रहे। एके त्रिवेदी, मनोज प्रजापति, राजीव भटनागर, काशीराम, राजेश मोर, श्वेता निराला, डेनिल जाक, शालिनी ज्योति, पूनम धानीराम जाटव, सफी खान कोषा अध्यक्ष, नशरत खान, अशोक साहू, स्वाति सना अली एवं मीस नारायण बघेल, अनीता नामदेव, भगवान दास, किशोर कोहली, हेमंत आदि रहे। सर, हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मांगे हैं हमारे पदनाम परिवर्तन, दूसरा हमारा गेट पे बढ़ाने का है, तीसरा हमारे संविदा साथियों को नियमितीकरण है, और तीसरा चौथा हमारा प्रमोशन चैनल लागू किया जाए। हमारे यहाँ जो भी टेक्नीशियन जैसे ही भर्ती होता है वो लास्ट तक, चाहे वो 30 साल सर्विस करे या 40 साल, वो टेक्नीशियन पद से ही रिटायर होता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं। तो आप सरकार से आपकी क्या मांगे, और मतलब अभी तक कोई मांगे नहीं मांगे, किसी भी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है, तो नहीं कोई आश्वासन दिया गया। तो हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या नाम लिखते हैं? हम इशरत खान। 13 सूत्री मांगों को लेकर हम विगत 11 दिनों से सामूहिक हड़ताल पर हैं। तो अभी तक सरकार द्वारा आपकी मांगों को पूरा नहीं करा गया? अभी तक किसी प्रकार की भी कोई मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, इसलिए हम लोग अब रेगुलर हड़ताल पर ही चल रहे हैं। अभी तो मंत्री जी को, आज हम मंत्री जी के पास आए हैं क्षेत्रीय विधायक की हैसियत से, उनको हम ज्ञापन देने आए हैं, और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं महोदय जी, तो बड़ा उनसे हमारा कर्मबद्ध निवेदन रहेगा ज्ञापन देते हुए कि हमारी जैसे 13 सूत्री मांगे हैं उन पर विचार करें, ताकि हम समय रहते अपनी ड्यूटी पर जाएं और जो मरीजों को हो रही है परेशानियां उनसे मुक्ति मिले और हम अपना काम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश, समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।